दिल में लाया है तो आप लोगों के बीच का एक रावण सिंधी भाई कोई है, बड़ा वाला दुश्मन है, मतलब मेरा नहीं है, मैं उसकी दुश्मन हूँ। जाने कौन सा शासन छीन लिया मैंने उसका, पर रावण तो कहीं भी हो सकते हैं। अगर आप में सद्वृत्तियां हैं तो निश्चित रूप से उसके संस्कार बिगड़ गए हैं, और जिसके संस्कार बिगड़ गए हैं मैं कहती हूं कि अभी नहीं मिले तो कम से कम अब सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा बुढ़ापा और आगे आने वाला जन्म भी बिगड़ जाएगा। क्योंकि जो मेरी तपस्या है, तप है, साधना है, जो कुछ करती हूं वो भी आपके लिए करती हूं। इसलिए एक ही बात कहती हूं कि चाहे किसी को बुरा लगे, भरा लगे, अपने संत नगर के ही एक सिंधी भाई है कोई, जैसे ही मैं कल परसों में एक आरती के लिए गई, आरती में वहां ग्राउंड में सामने स्पोर्ट्समैन थे, उनको उन्होंने आह्वान किया, बुलाया मुझे और बोले दीदी एक बार आप रेड डाल दीजिए। तो मैं जब कबड्डी बोलने गई वहां और वापस आई तो वो सीन, छोटा सा सीन वीडियो में डल गया, मीडिया वालों ने वो डाल दिया। सबसे पहले अगर कोई तिल मिलाया है तो आप लोगों के बीच का एक रावण सिंधी भाई कोई है, बड़ा वाला दुश्मन है, मतलब मेरा नहीं है, मैं उसकी दुश्मन हूँ। जाने कौन सा शासन छीन लिया मैंने उसका, पर रावण तो कहीं भी हो सकते हैं। अगर आप में सद्वृत्तियां हैं तो निश्चित रूप से उसके संस्कार बिगड़ गए हैं, और जिसके संस्कार बिगड़ गए हैं मैं कहती हूं कि अभी नहीं मिले तो कम से कम अब सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा बुढ़ापा और आगे आने वाला जन्म भी बिगड़ जाएगा। क्योंकि राष्ट्रभक्त और क्रांतिकारी और ऊपर से संत, इनसे जब भी कोई टकराया है तो ना रावण बचा है, ना कंस बचा है, और ना ये वर्तमान के अधर्मी विधर्मी जो भी हैं वो बचे हैं। हम पीड़ित दूसरों के पीड़ा से भी होते हैं, इसलिए हम नहीं पूछेंगे, मुझे मालूम है कि वो बीमार है। तो इसलिए मानवीयता मत खो, संवेदनाएं नहीं खो। अगर संवेदना और मानवीयता खो दी तो तुम पशुवत भी नहीं होगे। पशु तो पशु में भी संवेदनाएं होती है, उसका बच्चा जब मर जाता है, बीमार होता है, वो रोता है, पर ये तो पशु से भी गए बीते हैं। बीमारों को बीमार नहीं, पहले तो प्रताड़नाएं दी, और जब हम पीड़ित होते हैं तो ये हमारी गुमशुदा के पोस्टर लगाते हैं। शर्म और लानत देती हूँ ऐसे लोगों को कि ऐसे लोग विधायक बनने लायक नहीं है, लेकिन विधायक बनते हैं। अपने को हिंदू कहते हैं, संवेदनाहीन होते हैं। अपने को हिंदू कहते हैं, हमला करते हैं, उनको मारने वालों पर रोते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे कांग्रेसियों को, और शर्म आनी चाहिए ऐसे देशद्रोहियों को। और मैं कहती हूँ इनके लिए भारत में जगह नहीं है। भारत में सिर्फ रहेगा तो राष्ट्रभक्त रहेगा, और राष्ट्र जो है ना वो हिंदुओं के साथ है। राष्ट्रभक्त हिंदू होते हैं। राष्ट्रभक्त अपनी पहचान को समझ ले, सीमाएं सुरक्षित हो जाएगी, भारत अखंड हो जाएगा, भारत परम वैभव पर पहुंचेगा। इसी संकल्प के साथ जोर से बोलेंगे गणपति गजानन महाराज की। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।